वाली फिश करी। वैसे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ खाने में ना बहुत ही मजा आता है। गर्मा गर्म चावल और ये वाली फिश करी अब एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से बिना झंझट के ये फटाफट से बन जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 700 से 800 ग्राम फिश को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन बारीक कुटा हुआ, 2 टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। नमक हम यूज करेंगे स्वाद अनुसार। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितनी इमली लेके उसे आधे घंटे पानी में भिगो के उसका ना पल्प निकाल दिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं और मीडियम साइज के 5 टमाटर को रफली काट लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए हम इसमें 3 चम्मच जितना तेल डाल देंगे, हमारे खड़े मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा और मेथी डालेंगे तड़का में। जीरा और मेथी का तड़का लगाने से फिश करी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अदरक लहसुन को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे ताकि मसाले हमारे एकदम से जल ना जाए। अब यहाँ पे हम रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को जल्दी से गलाने के लिए नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से ना टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर को हम ढक्कन लगा के 6 से 7 मिनट तक आराम से स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब यहाँ पे हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमें इसे थोड़ा और पकाना है। टमाटर हमारे बिल्कुल एकदम से गल जाने चाहिए। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए इसे मैश करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। बारी है पाउडर मसाले ऐड करने की। लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरे का पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। मसालों में से अच्छे से तेल छूटने तक हम इसे भूनते रहेंगे। और मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के फिर से पका लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ऑयल बहुत ही अच्छे से रिलीज होके ऊपर आ गया है। ग्रेवी के टेक्सचर को और अच्छा सा बेहतर बनाने के लिए इस तरह से हम मसालों को अच्छे से मैश कर लेंगे। लास्ट में हम ऐड कर देंगे गरम मसाला और इमली का पल्प। ग्रेवी हमें कितनी गाढ़ी बनानी है उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे और इसमें 2 से 3 मिनट के लिए एक बहुत ही अच्छा उबाल आने देंगे। इमली की जगह आप कोकम या नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए फिश करी में तो आप ये काली वाली इमली का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ग्रेवी को हमें इसी तरह 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है। अभी इसमें फिश डालना बाकी है तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक फिश के अकॉर्डिंग इसमें डाल दिया है। ग्रेवी हमारी अच्छे से उबल के तैयार है। इसमें हम सारी फिश ऐड कर देंगे। मैंने ना यहाँ पे समंदर वाली फिश ली है, आप चाहे तो मीठे पानी वाली फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेवी में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम आराम से पकने देंगे। आप अगर चाहे तो फिश को पहले फ्राई करने के बाद ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना कभी भी वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारे यहाँ ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल इसी तरह फिश करी को बनाया जाता है, कच्चा ही सीधा ग्रेवी में डाल दिया जाता है। लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे हमारा फिश करी का टेस्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको ना एक फिश का टुकड़ा कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी फिश जो है वो अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ गई है। ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। लास्ट में जाएगा ऊपर से ताजा कटा हुआ धनिया और आप देख सकते हैं हमारी फिश करी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है ना मजेदार।
तो चलिए इसे बिना टाइम वेस्ट किए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी सुपर टेस्टी एंड टैंगी फिश करी। ट्रस्ट मी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। इसमें आपको फिश को फ्राई करने का भी कोई झंझट नहीं है। किचन में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से ये फिश करी बनके तैयार हो जाती है। ये वाली फिश करी ना मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपीज डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।